छठे चरण के चुनाव में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री लालजी वर्मा ने दो सीटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दो सेट्स में, माफ कीजिएगा, नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद लालजी वर्मा ने भाजपा को निशाने पर रखते हुए कहा कि 1977 में जिस तरीके से कांग्रेस यूपी में सभी सीटें हार गई थी, उसी तरह इस बार भाजपा यूपी में सभी सीटें हारेगी। हम नहीं लड़ रहे हैं, लड़ाई जनता लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और जंगल राज के विरोध में, महंगाई, बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, आम आदमी, चाहे वो बुनकर हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, सबके साथ जो अन्याय हो रहा है, जो बीमार आदमी आज चिकित्सा की व्यवस्था नहीं पा पा रहे हैं, इन सब कारणों से पूरे प्रदेश और देश की जनता लड़ाई लड़ रही है।